Arunachal Pradesh on 2nd of June with the 60 assembly constituencies. Andhra Pradesh on 11th June 24 with 175 assembly constituencies. These are the simultaneous elections to the parliament. They will be held simultaneously. They will also be held in the same phase where the parliament elections will be held. So now, when I tell you. दी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस देन आई विल टेल यू बट इन केस ऑफ आंध्र प्रदेश द डेट ऑफ इश्यू ऑफ गजट नोटिफिकेशन वुड बी एटीनथ ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर और डेट ऑफ पोल वुड बी थर्टींथ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो आंध्रा केस में नोटिफिकेशन अट्ठारह अप्रैल चौबीस को होगा और डेट ऑफ पोल थर्टींथ मे ट्वेंटी फोर को होगी इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन 29 अप्रैल को डेट ऑफ पोल सॉरी सॉरी 19 उन्नीस अप्रैल को 20 मार्च 19 अप्रैल इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल 20 मार्च को नोटिफिकेशन 19 अप्रैल को 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल उड़ीसा उड़ीसा में फर्स्ट नोटिफिकेशन दिस विल भी कंडक्टेड इन इन फेजेस एंड फर्स्ट फेज वुड भी ऑन एटीनथ अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल वुड भी थर्टींथ मे फिफ्थ फेज में होगा सेकेंड फेज ऑफ दबली ऑफ उड़ीसा ट्वेंटी सिक्स अप्रैल एंड ट्वेंटी मे देन सिक्सथ फेज एंड सेवंथ फेज ऑल्सो उड़ीसा वुड हैव देंबली इलेक्शंस सिक्स फेज बींग ऑन ट्वेंटी नाइन्थ अप्रैल एंड ट्वेंटी फिफ्थ मे इलेक्शंस ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में रिपोर्ट करने में इसको आसानी हो कमिंग टू दिनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार बिगेस्ट 543 हंड्रेड फोर्टी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसीज ऑफ विच 84 फोर आर रिजर्व फॉर एस एंड 47 सेवन आर रिजर्व फॉर एस तो इस 543 सौ तैतालीस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसीज के महात्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध गुजारिश दैट प्लीज प्लीज ज्वाइन फॉर दोटिंग कम ऑन द डे ऑफ बोटिंग छुट्टी मनाने ना जाएं जरूर आ जाएं। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज वन विल डू इट इन सेवन फेजेस एज वॉज डन लास्ट टाइम सेवन फेजेस फेज वन विल स्टार्ट फ्रॉम ट्वेंटीएथ मार्च नोटिफिकेशन फाइव डेज फ्रॉम नाउ एंड लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल वुड बी थर्टी मार्च एंड डेट ऑफ पोल वुड बी नाइनटीन ऑफ अप्रैल इसमें फेज़ वन का शेड्यूल एक दिन से हमें दो बार करना पड़ रहा है फिर बिहार के लिए वहाँ एक फेस्टिवल है तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज़ के लिए करनी पड़ रही है क्योंकि वहाँ त्यौहार हैं और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी सो फेज़ वन दिस विल लुक लाइक दिस ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा तो इसमें जो फेज़ वन का जो मैप है इसमें नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु राजस्थान सेंटर में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और ऊपर में जम्मू कश्मीर की वन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप uh, है सेकंड फेज सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में सेकंड फेज विल नोटिफिकेशन विल स्टार्ट ऑन ट्वेंटी ऑफ मार्च एंड डेट ऑफ पोल विल बी ट्वेंटी सिक्स ऑफ अप्रैल सिमिलरली हियर

विच वुड बी फेज टू जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए सेकेंड uh, फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे फेज थ्री वुड बी फ्रॉम ट्वेल्थ ऑफ अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल विल बी सेवेंथ ऑफ मे इसमें भी टोटल ट्वेल्व स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में तीन नए राज्य में चुनाव शुरू होगा इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे केरला कवर कर चुके होंगे गुजरात इसमें कवर कर लेंगे नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के तीन इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गज़ट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th ऑफ मई, डेट ऑफ काउंटिंग इन द एंटायर कंट्री वुड बी 4th ऑफ जून फॉर ऑल बाय इलेक्शंस फॉर द असेंबली इलेक्शंस फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा इस समय तक हम इसमें तेलंगाना आंध्र, उड़ीसा वुड स्टार्ट एंड बाय देट टाइम अदर देन दैट एंटायर साउथ इंडिया वुड बी कम्प्लीट एंटायर वेस्टर्न इंडिया

फेज सिक्स में 57 सेवन कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल गो टू द पोल स्टार्टिंग फ्रॉम द गजट नोटिफिकेशन ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अप्रैल एंड फिनिशिंग ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी बिहार बंगाल उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा लास्ट फेज

वी विल शेयर दिस मैप ऑल्सो विद यू जाकि आप इसे अपने साथ रख सकें इसके हिसाब से देख सकें ये भी कोशिश की है हमने और अगर पूरी फेस वाइज हम पिक्चर दें ये भी एक अच्छी